हौसला रखो, कुछ नहीं हुआ, चलो। जब से कोई कोई प्रशासन नहीं आया, कोई फाइव ग्रेड वाला नहीं आया, सबको अपील कर दिया, सिर्फ मीडिया सब चैनल नहीं मर गए जी, तीन चार बसों भी मर गए जी। रुकनपुर गांव है जी हमारा, देखिए यहाँ किसी ने सहयोग नहीं कराया, कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई पुलिस, किसी प्रशासन ने हमारा कोई यहाँ बिल्कुल भी ना। आप देख सकते हैं रुकनपुर गांव से हम आपको दिखा रहे हैं एक के बाद एक जो कूप बने हुए थे जिसके अंदर कूड़ी होती है, साथ ही साथ जिसके अंदर उपले होते हैं जो भैंस के गोबर से या गाय के गोबर से बनते हैं, वो जलकर राख हो गए हैं। आप देख सकते हैं ऐसे तमाम कूप यहां पर बनाए गए थे, लेकिन तेज आंधी और तूफान के कारण जो आग लगती है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के अंदर जो कूप बने हुए थे ऐसे सब जलकर खाक हो गए हैं, और साथ ही साथ पशुओं को भी काफी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी समय तक यहां पर नहीं पहुंची है, और आप देख सकते हैं कि पूरा गांव और जो है लगातार पानी से घरों के अंदर पानी है उसे आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आग बुझ नहीं रही है, और ये जो चिंगारियां हैं वो लगातार गांव के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गांव के अंदर अधिकतर घरों के अंदर हम देखते हैं पशु होते हैं और वही उनकी आय का साधन होते हैं, और कई पशुओं को भी नुकसान हुआ है, कई पशु जल गए हैं, और साथ ही साथ जो नुकसान है वो बड़े स्तर पर हुआ है। पुलिस को लगातार प्रशासन को कॉल किया गया है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि कोई भी जवाब जो है वहां से नहीं मिला है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जो आग है वो बढ़ती जा रही है, और आग की जो चिंगारियां हैं वो गांव के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और ऐसे में दम घुटने की भी जो है संभावना बनी रहती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार रुकनपुर गांव से, जहां पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कूप के कूप जल जाते हैं, लोग परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद इनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पानी है वो गांव के अंदर खत्म हो गया है। फायर ब्रिगेड को लगातार कॉल किया जा रहा है ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आए और वो इस आग पर काबू पा सके, लेकिन आप देख सकते हैं सूखे पेड़ हैं, उनमें आग लगने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि हवा लगातार चल रही है और अलग अलग जगह आप देख सकते हैं आग लगी हुई है। ये गांव से जो खेत होते हैं उनसे टच करता हुआ इलाका है, और लोग परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लगातार आग की जो चिंगारियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही हैं। देख सकते हैं आग की जो चिंगारियां हैं वो लगातार घर में जाती हुई नजर आ रही हैं, और इससे बड़ी जो आग है घरों में भी लगने की संभावना है। ऐसे में आप देख सकते हैं परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक आई नहीं है, लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और जो आग है वो सीधा घरों के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये चिंगारी आप देख सकते हैं जो कूप के अंदर आग लगी हुई है वो सीधी
आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से आप देख सकते हैं ये आग का तांडव गांव के अंदर, रुकनपुर गांव के अंदर देखने को मिल रहा है। लगातार तेज हवाएं चल रही हैं जिसके चलते आग बुझ नहीं पा रही है, लगातार आग आगे बढ़ती जा रही है और आग की जो चिंगारियां हैं वो घरों के अंदर जाती हुई नजर जा रही हैं, जिसके चलते आग और ज्यादा बढ़ने की संभावना है क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं है और ऐसे में आग को बुझाने का प्रयास लगातार गांव के लोगों की तरफ से किया जा रहा है। जो पानी है वो घरों के अंदर खाली हो गया है, कई जानवरों को भी नुकसान पहुंचा है, लोग बच्चे बुजुर्ग घर के अंदर हैं और उनको भी जो है नुकसान हुआ है क्योंकि दम घुटने की परेशानी लाजमी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं ये जो पतंगे हैं लगातार उड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आग लग गई है रुकनपुर गांव में और ये आग जो लगी है वो पीछे से लगती हुई आई और इसके बाद धूप में लगती चली गई और लगातार जो तूड़ी थी वो जलकर खाक हो गई है और कई कूप ऐसे बने हुए थे वो जल गए हैं और साथ ही साथ जानवरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। Thank you.
सर 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 मैं सुनर ना काट ले ओए दोबारा से यहाँ पर कैसे समस्या पहुंचे उसको सरकारी हमारी आपको भी सभी जो भी लोग इसी जगह करो करना से आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी खराब सागर चल रहे हैं सागर चल रहे हैं।
गार्डियन नहीं आ रहा, हमारे पास गार्डियन नहीं आ रहा, सुनाई नहीं हो रही बिल्कुल। अंदर देखो गाँव में क्या हालात हो रहा है, देखो हमारे साथ मुसीबत में। कैसे आग लगी है, आग कैसे लगी, आग कैसे लगी, आग लगी कहाँ आग लगी? ये आग पीछे से आई है नहर की तरफ से, और उधर से ये काफी तेज गति से आई हुई है, और ये पूरे गांव के अंदर है ना, इधर से पूरा खतरा हो रहा है। क्या क्या जल गया है और गांव के अंदर पूरा गया, मकान वगैरह, जानवरों को भी नुकसान हुआ है? हाँ, तो फायर ब्रिगेड वगैरह अभी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, पुलिस पहुँची है? अभी कुछ नहीं आ रहा है। आपका नाम? क्या क्या नुकसान हुआ है? फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची? लगी है कौन सा गांव है? क्या 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 चल गया है? भूप में भी आग लगी, जानवरों को भी नुकसान हुआ है? कोई प्रशासन नहीं आया, कोई फायर ब्रिगेड वाला नहीं आया, सबको अपील कर दिया, फिर मीडिया सबसे पहले आई है। आग जो अब के कारण लगी उधर से उठ के आई, जानवर भी मर गए जी, 3-4 पशु भी मर गए जी। रुकनपुर गांव है कि हमारा, देखिए यहाँ किसी ने सहयोग नहीं कराया, कोई MLA कोई मंत्री कोई पुलिस किसी प्रशासन ने हमारा कोई यहाँ बिल्कुल भी लाभ नहीं। गांव का पानी तक खत्म, गांव का पानी खत्म, बिजली खत्म, यहाँ कुछ नहीं, जो बच्चे थे हमारे अंदर। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई है, ये मीडिया ने बुलाई थी, मीडिया पहुंच के SP साहब को जानकारी दी, DC साहब को दी, तुरंत पहुंचे हैं गांव ने, सबने सबको लगातार फोन किया, बहुत बचाव हो गया। हौसला रखो आप प्लीज, हौसला रखो बेटा, कुछ नहीं हुआ, हौसला रखो, ये बच्चे बच गए, हौसला रखो, कुछ नहीं हुआ। चलो आप देख सकते हैं बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और बचपन है, बचपन में खेल रहे थे, लेकिन इस समय से आग लग जाती है तो डरना लाजमी है। इन छोटी सी मासूम सी बच्चे की आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। रुकनपुर गांव जहां पर धूप के अंदर तेज और आंधी और तूफान की वजह से ये आग लग जाती है, तमाम जो कूप थे करनाल के SP गंगाराम पुनिया को जानकारी दी जाती है, करनाल के थाना सदर SHO को जानकारी दी जाती है, वो मौके पर पहुंचते हैं, इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो पहुंचती है वो अब आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। ये आप देख सकते हैं जो मीडिया की गाड़ी सबसे पहले आई जी, SHO साहब से फोन किया हमने, SP साहब को फोन किया, DC साहब को किया, मंत्री को किया, किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। मीडिया ने आके हमारे गांव में आके थोड़ा एहसास दिलाया, बच्चों बाहर निकाल लो, सिलेंडर निकाल लो, भाई पशुओं को बाहर निकाल लो, इस करके थोड़ा बचाव हुआ जी। ये आप समझ सकते हैं जब परेशानी इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि गांव वालों की आमदनी का जो साधन होता है वो पशु होते हैं, और पशु अगर जल जाएंगे तो परेशानी होना लाजमी है। बड़ी मेहनत के साथ ये तूड़ी बनाई जाती है, उनके कूप तैयार किए जाते हैं, जो उपले होते हैं उनके कूप तैयार किए जाते हैं, लेकिन कम में आग लग जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे को सूचना मिली थी
के रुद्रपुर गांव में चेतन तरफ आग लगी हुई है और गांव की तरफ बढ़ रही है और गांव के बाहर की साइड में टूड़ी के कूप रखे हुए हैं और उपले बना के जो हम बटोड़े रख देते हैं वो रखे हुए हैं। तो फायर ब्रिगेड से संपर्क करके हमारे कंट्रोल रूम द्वारा भी वहाँ फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से संपर्क किया गया। फायर ब्रिगेड शायद एकदम आंधी आने की वजह से सभी अंगेज हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे दो फायर ब्रिगेड मंगवा लिए हैं और अब आपके सामने डेढ़ घंटा हो गया था हम भी मौके पर पहुंचे। हमने आपके संज्ञान में मामला डाला, एसपी साहब को भी डाला, डीसी साहब को भी डाला, तो तब जाकर डेढ़ घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। नुकसान और ज्यादा हो सकता था, गनीमत है तो लोगों के घरों तक आग फैल रही है। जिस टाइम से हमें सूचना मिली थी उसी टाइम से दमकल विभाग से संपर्क किया जा रहा था। अब किस वजह से कहां गाड़ियां अंगेज हो चुकी थी, उनका कहना यही था कि एकदम से आंधी आने की वजह से कई जगह पे फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ गई है और उसके बाद जितना जल्दी अवेलेबल हो पाई हम यहां ले आए। जानवर वगैरह भी जल गए हैं सर? बस अभी तो इनका यही कहना है गाँव वालों का कि बाहर की तरफ से नजर आ रही कसम में कुछ नहीं रहा भाई, बड़ी बदमाश मारे कुछ नहीं आया, कोई नहीं बोल दिया, कभी नहीं बोल दिया, ना फोन खाए, फोन भी कर दिए, फोन भी कर दिए, एक साइड में था टेपू तो सारे ना बता, एक साइड में भाई उठाए फोन, एक भी जमीन उठाया नहीं, अभी फोन कर दिया सारा बोट लेन के आया था मान लग भी सुनाई भाई घंटे का तो काम चल रहा है सब हो रहा है काम चल जाएगा रोड का खट्टे बाप छोटी से मारे खट्टे बाप पशु भी मर गए जी, पशु भी जल गए, पशु भी जल गए मीणा के पैर दबाए खोल खोल के दो घंटे के मम पानी के लोग घोड़ा लग रहा काम तक हो कर जी मार सके इसे वक्त में भी न कर मार तो अचानक जो नुकसान हुआ है गरीब परिवार है उनकी भरपाई दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, खराब मौसम के चलते हुआ है सारा नुकसान, चाहेंगे मुआवजा तो मिलना चाहिए गरीब को, चाहेंगे ना जी मुआवजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए जरूर मिलना चाहिए, जिनके पशु मर गए जिनके कूप जल गए नुकसान हो रहा है नुकसान प्रयास किया जा रहा है। दो फायर रुकनपुर गांव जहां पर धूप के अंदर तेज और आंधी और तूफान की वजह से ये आग लग जाती है। तमाम जो कूप से पूरी के होटल करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया को जानकारी दी जाती है, करनाल के थाना सदर एसएचओ को जानकारी दी जाती है, वो मौके पर पहुंच गए हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो पहुंचती है वो अब आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। ये आप देख सकते हैं मीडिया की गाड़ी सबसे पहले आएगी,
एसएसओ सर से फोन किया, हमने एसपी साहब को फोन किया, डीसी साहब को किया, मंत्री को किया, किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। मीडिया ने आके हमारे गांव में आके थोड़ा साथ दिलाया, बच्चों बाहर निकाल लो, सिलेंडर निकाल लो, पशुओं को बाहर निकाल लो, इस करके थोड़ा बचा हुआ जी। ये आप समझ सकते हैं जब परेशानी, लेकिन परेशानी इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि गांव वालों की आमदनी का जो साधन होता है वो पशु होते हैं, और पशु अगर जल जाएंगे तो परेशानी होना लाजमी है। बड़ी मेहनत के साथ ये तूड़ी बनाई जाती है, उनके कूप तैयार किए जाते हैं, जो कुपले होते हैं उनके कूप तैयार किए जाते हैं, लेकिन सब में आग लग जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब से कोई प्रशासन नहीं आया, कोई फायर ग्रेड आया नहीं आया, सबको अपील कर दिया, सिर्फ मीडिया सब चैनल भी मर गए जी, तीन चार पशु भी मर गए जी। दुकनपुर गांव है जी हमारा, देखिए यहाँ किसी ने सहयोग नहीं कराया, कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई पुलिस, किसी प्रशासन ने हमारा कोई यहाँ बिल्कुल भी लाभ उसमें सारी काड़ी पुड़ी सब कुछ जड़ गया। एक घंटा फोन कर देना, एक घंटा इतना कुछ नहीं आया है। कभी के फोन सरकार का के फायदा अभी किसके, सरकार का जी का देख सकते हैं। रुकनपुर गांव से हम आपको दिखा रहे हैं एक के बाद एक जो कूप बने हुए थे जिसके अंदर तूड़ी होती है, साथ ही साथ जिसके अंदर उपले होते हैं जो भैंस के गोबर से या गाय के गोबर से बनते हैं, वो जलकर राख हो गए हैं। आप देख सकते हैं ऐसे तमाम कूप यहां पर बनाए गए थे, लेकिन तेज आंधी और तूफान के कारण जो आग लगती है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के अंदर जो कूप बने हुए थे ऐसे सब जलकर खाक हो गए हैं, और साथ ही साथ पशुओं को भी काफी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी समय तक यहां पर नहीं पहुंची है, और आप देख सकते हैं कि पूरा गांव और जो है लगातार पानी से घरों के अंदर पानी है उसे आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आग बुझ नहीं रही है। और ये जो चिंगारियां हैं वो लगातार गांव के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गांव के अंदर अधिकतर घरों के अंदर हम देखते हैं पशु होते हैं और वही उनकी आय का साधन होते हैं, और कई पशुओं को भी नुकसान हुआ है, कई पशु जल गए हैं, और साथ ही साथ जो नुकसान है वो बड़े स्तर पर हुआ है। पुलिस को लगातार प्रशासन को कॉल किया गया है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि कोई भी जवाब जो है वहां से नहीं मिला है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जो आग है वो बढ़ती जा रही है, और आग की जो चिंगारियां हैं वो गांव के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और ऐसे में दम घुटने की भी जो है संभावना बनी रहती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार रुकनपुर गांव से, जहां पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कूप के कूप जल जाते हैं, लोग परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं,
मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद इनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पानी है वो गांव के अंदर खत्म हो गया है। फायर ब्रिगेड को लगातार कॉल किया जा रहा है ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आए और वो इस आग पर काबू पा सके, लेकिन आप देख सकते हैं सूखे पेड़ हैं, उनमें आग लगने का खतरा बना हुआ है क्योंकि हवा लगातार चल रही है और अलग अलग जगह आप देख सकते हैं आग लगी हुई है। ये गांव से जो खेत होते हैं उनसे टच करता हुआ इलाका है और लोग परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लगातार आग की जो चिंगारियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही हैं। देख सकते हैं आग की जो चिंगारियां हैं वो लगातार घर में जाती हुई नजर आ रही हैं और इससे बड़ी जो आग है घरों में भी लगने की संभावनाएं हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक आई नहीं है, लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और जो आग है वो सीधा घरों के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये चिंगारी आप देख सकते हैं जो कूप के अंदर आग लगी हुई है वो सीधी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से आप देख सकते हैं ये आग का तांडव गांव के अंदर, रुकनपुर गांव के अंदर देखने को मिल रहा है। लगातार तेज हवाएं चल रही हैं जिसके चलते आग बुझ नहीं पा रही है, लगातार आग आगे बढ़ती जा रही है और आग की जो चिंगारियां हैं वो घरों के अंदर जाती हुई नजर जा रही हैं, जिसके चलते आग और ज्यादा बढ़ने की संभावना है क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं है और ऐसे में आग को बुझाने का प्रयास लगातार गांव के लोगों की तरफ से किया जा रहा है। जो पानी है वो घरों के अंदर खाली हो गया है, कई जानवरों को भी नुकसान पहुंचा है, लोग बच्चे बुजुर्ग घर के अंदर हैं और उनको भी जो है नुकसान हुआ है क्योंकि दम घुटने की परेशानी लाजमी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं ये जो पतंगे हैं लगातार उड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आग लग गई है रुकनपुर गांव में और ये आग जो लगी है वो पीछे से लगती हुई आई और इसके बाद कूप में लगती चली गई और लगातार जो पूरी थी वो जलकर खाक हो गई है और कई कूप ऐसे बने हुए थे वो जल गए हैं और साथ ही साथ जानवरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। नीचे
सनोर ना काट ले जो भी लोग इसी जगह से सागर चल रहे हैं सागर चल रहे हैं हमारे बड़े छोटे मुसीबत में है।
कैसे आग लगी है, आग कैसे लगी, आग कैसे लगी आग। आग लगी कहाँ, आग लगी ये आग पीछे से आई है नहर की तरफ से और उधर से ये काफी तेज गति से आई हुई है और ये पूरे गांव के अंदर है ना, इधर से पूरा खतरा हो रहा है। क्या क्या जल गया और गांव के अंदर पूरा गए मकानों वगैरह, जानवरों को भी नुकसान हुआ है। हाँ जानवरों को तो फायर ब्रिगेड वगैरह अभी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, पुलिस पहुंची है अभी, क्या कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। आपका नाम? हादसा क्या क्या नुकसान हुआ है? फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची? लगी है कौन सा गांव है? क्या 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 चल गया है? भूख में भी आग लग गई, जानवरों को भी नुकसान हुआ है। कोई प्रशासन नहीं आया, कोई फायर ब्रिगेड वाला नहीं आया, सबको अपील कर दिया, सिर्फ मीडिया सबसे पहले आई है। आग जी अब आगे कारण लगी, इधर से उठ के आई, जानवर भी मर गए थे, तीन चार पशु भी मर गए थी। रुकनपुर गांव है कि हमारा, देखिए यहाँ किसी ने सहयोग नहीं कराया, कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई पुलिस, किसी प्रशासन ने हमारा कोई यहाँ बिल्कुल भी लाभ नहीं। गांव का पानी तक खत्म, गांव का पानी खत्म, बिजली खत्म, यहाँ कुछ नहीं रहा, जो बच्चे थे हमारे अंदर कुछ। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई है, ये मीडिया ने बुलाई थी, मीडिया पहुंच के एसपी साहब को जानकारी दी, डीसी साहब को दी, तुरंत पहुंचे हैं गांव ने, सबने सबको लगातार फोन किया। बहुत बचाव हो गया, हौसला रखो आप प्लीज, हौसला रखो बेटा, कुछ नहीं हुआ, हौसला रखो, ये बच्चे बच गए, हौसला रखो, कुछ नहीं हुआ। चलो आप देख सकते हैं बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बचपन है, बचपन में खेल रहे थे, लेकिन इस समय से आग लग जाती है तो डरना लाजमी है। इन छोटी सी मासूम सी बच्चे की आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। रुकनपुर गांव जहां पर धूप के अंदर तेज और आंधी और तूफान की वजह से ये आग लग जाती है, तमाम जो कूप थे करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया को जानकारी दी जाती है, करनाल के थाना सदर एसएचओ को जानकारी दी जाती है, वो मौके पर पहुंचते हैं, इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब पहुंचती है वो अब आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। ये आप देख सकते हैं जो मीडिया की गाड़ी सबसे पहले आई जी, एसएचओ साहब से फोन किया हमने, एसपी साहब को फोन किया, डीसी साहब को किया, मंत्री को किया, किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। मीडिया ने आके हमारे गांव में आके थोड़ा एहसास दिलाया, बच्चों बाहर निकाल लो, सिलेंडर निकाल लो, भाई पशुओं को बाहर निकाल लो, इस करके थोड़ा बचाव हुआ जी। ये आप समझ सकते हैं जब परेशानी, लेकिन परेशानी इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि गांव वालों की आमदनी का जो साधन होता है वो पशु होते हैं और पशु अगर जल जाएंगे तो परेशानी होना लाजमी है। बड़ी मेहनत के साथ ये तूड़ी बनाई जाती है, उनके कूप तैयार किए जाते हैं, जो उपले होते हैं उनके कूप तैयार किए जाते हैं, लेकिन सब में आग लग जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे को सूचना मिली थी कि रुकनपुर गांव में चेतन तरफ आग लगी और गांव की तरफ बढ़ रही है और गांव के बाहर की साइड में
चूड़ी के कूप रखे हुए हैं और उपले बना के जो हम बटोड़े रख देते हैं वो रखे हुए हैं। तो फायर ब्रिगेड से संपर्क करके हमारे कंट्रोल रूम द्वारा भी वहाँ फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से संपर्क किया गया। फायर ब्रिगेड शायद एकदम आंधी आने की वजह से सभी अंगेज हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर दो फायर ब्रिगेड मंगवा लिए हैं और अब आपके सामने एक घंटा हो गया था। हम भी मौके पर पहुंचे, हमने आपके संज्ञान में मामला डाला, एसपी साहब को भी डाला, डीसी साहब को भी डाला, तो तब जाकर डेढ़ घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। नुकसान और ज्यादा हो सकता था, गनीमत है, तो लोगों के घरों तक आग फैल रही है। जिस टाइम से हमें सूचना मिली थी उसी टाइम से दमकल विभाग से संपर्क किया जा रहा था। अब किस वजह से कहां गाड़ियां अंगेज हो चुकी थी, उनका कहना यही था कि एकदम से आंधी आने की वजह से कई जगह पे फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ गई है और उसके बाद जितना जल्दी अवेलेबल हो पाई हम यहाँ ले आए। जानवर वगैरह भी जल गए हैं सर? बस अभी तो इनका यही कहना है गांव वालों का कि नजर आ रही थी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आपको पास किया है कसम में कुछ नहीं रहा भाई, बड़ी बदमाश मारे, कुछ नहीं आया, कोई नहीं बोल दिया, तुम्हें नहीं बोल दिया, ना खून खाए, खून भी दर्द है, खून भी दर्द है भाई, एक साइड में दर्द है, पुलिस आया ना बता, एक साइड में भाई उठाए कौन एक भी जमीन उठाए अभी कौन जा रहा है बोतल लेने के बाद मान ले लग भी सुनाई नहीं भाई पशु भी मर गए जी, पशु भी जल गए, पशु भी जल गए, कमीना के मार दबाए खोल खोल कर देखिए 2 घंटे के मम पानी के लोग लग रहा काम तब कर के मार ऐसा के इस वक्त मां भी निकल मार सुनाएगा वोट वोट है सुखी पक्की मरेगा मन नौकरी दूर की बात है। तो चाहेंगे कि जो नुकसान हुआ है गरीब परिवार है उनकी भरपाई दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, खराब मौसम के चलते हुआ है सारा नुकसान, चाहेंगे मुआवजा तो मिलना चाहिए गरीब को, चाहेंगे ना जी मुआवजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, जिनके पशु मर गए, जिनके कूप चल गए, नुकसान हो रहा है, काम का क्या हो रहा है, सारा नुकसान एक गाड़ी की आदत है, गाड़ी में बहुत सुंदर हो जाता है। प्रयास किया जा रहा है, दो फायर ब्रिगेड रुकनपुर गांव जहां पर धूप के अंदर तेज और आंधी और तूफान की वजह से ये आग लग जाती है, तमाम जो कूप से पूरी के होटल करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया को जानकारी दी जाती है, करनाल के थाना सदर एसएचओ को जानकारी दी जाती है, वो मौके पर पहुंचते हैं, उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब पहुंचती है वो अब आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। ये आप देख सकते हैं मीडिया की गाड़ी, मीडिया की गाड़ी सबसे पहले आई थी, एसएचओ साहब से फोन किया हमने, एसपी साहब को फोन किया,
डीसी साहब को किया, मंत्री को किया, किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। मीडिया ने आके हमारे गांव में आके थोड़ा साथ दिलाया, बच्चों बाहर निकाल लो, सिलेंडर निकाल लो, भाई पशुओं को बाहर निकाल लो, जिस करके थोड़ा ऊंचा हुआ जी। ये आप समझ सकते हैं जब परेशानी लेकिन परेशानी इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि गांव वालों की आमदनी का जो साधन होता है वो पशु होते हैं और पशु अगर जल जाएंगे तो परेशानी होना लाजमी है। बड़ी मेहनत के साथ ये तूड़ी बनाई जाती है, उनके फूक तैयार किए जाते हैं, जो उपले होते हैं उनके फूक तैयार किए जाते हैं, लेकिन सब में आग लग जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी।